Hello dear students, how are you all? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, teacher, ICT virtual class. Today we are going to start our first chapter, Who Did Patrick's Homework, from the book Honeysuckle. अब आप लोगों में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको होमवर्क करना पसंद नहीं है, हेटेड होमवर्क. यहाँ पे पैट्रिक भी जो है उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. ही ऑलवेज हेटेड होमवर्क और वो चाहता था कि कोई आए और उसका होमवर्क कर ले. तो इस चैप्टर में कई क्वेश्चन आते हैं कि किसने करा होगा पैट्रिक का होमवर्क, या आप लोगों में से जो बच्चे चाहते हैं कि होमवर्क करना पसंद नहीं करते तो अपनी सिस्टर से बोलते हैं प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरा होमवर्क कर दो, ब्रदर से बोलते हैं या पेरेंट्स से बोलते हैं. जिन बच्चों को पसंद नहीं है और यह चाहते हैं वो कोई मैजिकल पावर आ जाए जो हमारे काम को जो है कर दे, हमारा होमवर्क कर दे, तो हमें इतना पेन लेना नहीं पड़ेगा. तो सिमिलरली पैट्रिक का जो हु डिड, अब चैप्टर से पता चल रहा है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि किसने किया होगा पैट्रिक का होमवर्क. तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किसने करा था पैट्रिक का, क्या कोई मैजिकल पावर थी जिसने उसका होमवर्क करा और जिसको सी ग्रेड मिलता था उसको ए ग्रेड मिलने लगा. तो ये सारी चीजें जो है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर होगी. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू इट. टू बोरिंग ही सेड, कि उसे लगता था कि जो होमवर्क देते हैं टीचर ये क्या है, इट्स टू बोरिंग, कि बहुत बोरिंग लगता था उसे, अच्छा नहीं लगता था काम करना. क्योंकि एक जगह बैठ के जब हम काम करते हैं तो कई बच्चे जो हैं लाइक नहीं करते हैं. जैसे अभी आप फिफ्थ से सिक्स में आए हैं तो काफी आपको चेंजेस दिखाई देंगे कि फिफ्थ के सिलेबस में और सिक्स के सिलेबस में देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस, बहुत ज्यादा अंतर है. तो आप लोग जो है फोकस करिए और जितने भी यहाँ पे जो हम वर्ड मीनिंग बताते हैं तो इनको क्या करना है, आपको ट्राई टू यूज इट इन योर डेली लाइफ. ठीक है, तो जितने हम वर्ड मीनिंग बता रहे हैं इनको अपने जितने भी सेंटेंस बना सकते हो एज यू कैन, तो उतने आप जो है इनको बनाइए. ही सेड ही प्लेड, अब उसने क्या बोला, ही सेड ही प्लेड, अब प्लेड क्या है, पास्ट टेंस है, हॉकी. उसे क्या खेलना पसंद था, हॉकी और बास्केटबॉल. आप लोगों में से भी कई बच्चे हैं जो लाइक करते होंगे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना. तो पैट्रिक को भी क्या पसंद था, खेलना हॉकी एंड बास्केटबॉल. और जो होमवर्क मिलता था उसको हमेशा क्या लगता था, बोरिंग, अच्छा नहीं लगता था. एंड निंटेंडो, निंटेंडो क्या है, एक वीडियो गेम है. ठीक है, तो ये चीज है इंस्टेड, मतलब इंस्टेड माने होमवर्क करने के बजाय, इंस्टेड माने बदले में, इंस्टेड ऑफ दैट ही लाइक टू प्ले, क्या पसंद करता था वो, ही लाइक टू प्ले हॉकी बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, वीडियो गेम पसंद करता था. His teachers told him. अब उसकी जो टीचर्स थी वो क्या बोलती थी, टोल्ड हिम, किस हिम किसके लिए यूज हुआ है, पैट्रिक के लिए. पैट्रिक डू योर होमवर्क, जैसे आपके टीचर भी जो बच्चे होमवर्क करके नहीं ले जाते होंगे तो टीचर बोलती होगी ना कि डू योर होमवर्क, तुमने होमवर्क क्यों नहीं करा. ठीक है, तो सेम पैट्रिक को भी उसके टीचर्स क्या बोलती थी, डू योर होमवर्क, तुम अपना काम करो, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, और तुमने कुछ भी जो है लर्न नहीं करा है. कौन बोलता है ये, हु सेड, टीचर सेड टू पैट्रिक, पैट्रिक को बोलती थी उसकी टीचर्स. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, इग्नोरेमस मीन्स कि एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, जिसको जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ता नहीं है उसको. ठीक है, तो यहाँ पे इसको एज ए नाउन हम यूज करते हैं, इग्नोरेमस को कैसे यूज करते हैं, एज ए नाउन. तो वो जो कैसा था, इग्नोरेमस था, कि मतलब उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लैक्स ऑफ एजुकेशन. तो यहाँ पे जितने वर्ड यूज हो रहे हैं तो आप जो है इनको घर में जो है इनको यूज कर सकते हैं, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, कमी, लैक मनी कमी. ठीक है, बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, परंतु वॉट कुड ही डू, क्या कर सकता है वो, ही हेटेड होमवर्क, वो क्या करता था, हेटेड, हेट का हेटेड सेकंड फॉर्म, होमवर्क से उसे क्या थी, नफरत थी. ठीक है, ही नेवर, कभी उसने होमवर्क नहीं करा और उसे पसंद भी नहीं था जो होमवर्क करना. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट, अब एक दिन क्या हुआ उसके साथ,
कि मतलब वो होमवर्क करना नहीं चाहता था, हमेशा खेलना चाहता था। और उसके प्ले जो है, मैंने अभी बताया आपको, हॉकी है, बास्केटबॉल है, निंटेंडो है, वीडियो गेम है। तो उनकी टीचर्स हमेशा उसको बोलती थी, प्लीज डू योर होमवर्क, लर्न लर्न योर चैप्टर, क्वेश्चन आंसर। बट वो हमेशा क्या करता था, हेटेड होमवर्क, होमवर्क से हेट करता था। परंतु सडनली एक दिन क्या हुआ, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट। अब एक दिन क्या हुआ, उसको उसकी कैट मिली प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। और वो किसके साथ खेल रही थी, एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड, और उसने जल्दी से क्या करा, उसे छीन लिया, ग्रैब कर लिया इट अवे, टू हिज सरप्राइज। और उसको जब उसने उस डॉल को देखा जिसके साथ कौन खेल रही थी, कैट, हिज कैट प्लेइंग विद दैट बॉल, उस बॉल के साथ खेल रही थी। तो उसने क्या करा था, ही ग्रैब्ड इट अवे, उसको उठा लिया था वहां से। तो उसे क्या सरप्राइज हुआ था, एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज, कि वो जो है कोई डॉल नहीं थी, नॉन लिविंग थिंग नहीं थी, वो क्या था, ये टाइनियस्ट, टाइनियस्ट मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा, जैसे बोने होते हैं ना उस टाइप का, छोटा सा था, टाइनियस्ट था साइज। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, और उसने क्या पहनी हुई थी, जैसे ठंड में पहनते हैं ना हम गर्म कपड़े, वूल शर्ट। तो उसने भी क्या पहना हुआ था, एक वूल शर्ट पहनी थी, और बहुत जरा छोटा था, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। अब यहाँ पे जो है ब्रीचेस यूज हुआ है वर्ड, तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स जो हैं ऑथर ने यूज करे हैं, ब्रीचेस, वीचेस। एक्चुअली में दिस वर्ड इज ब्रीचेस, जिनको बोलते हैं, विच मीन्स क्या मतलब है उसका, ट्राउजर्स, ठीक है, और शॉर्ट ट्राउजर्स। तो ब्रीचेस इज एक्चुअली ब्रीचेस, ठीक है। तो परंतु यहाँ पे ऑथर ने क्या करा है, राइमिंग करने के लिए, उनको राइमिंग वर्ड्स बनाने के लिए ब्रीचेस कर दिए, ब्रीचेस वीचेस, ठीक है। ये दीज टू वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स, ब्रीचेस वीचेस। तो उसने क्या पहना हुआ था, टाइनियस्ट साइज का जो था डॉल नहीं था, इंस्टेड ऑफ दैट डॉल क्या था वहां पे, देयर वाज ए टाइनियस्ट साइज मैन। और उसने क्या पहना हुआ था, वूल शर्ट पहनी हुई थी, गर्म शर्ट पहनी हुई थी, विद ओल्ड फैशन, पुराने फैशन का क्या पहना हुआ था, ट्राउजर पहना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ, सॉरी, द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विचेस, विचेस के साथ राइम करने के लिए उसने क्या लिख दिया, स्पेलिंग ब्रिचेस, तो इट मीन्स ट्राउजर। तो उसने ओल्ड फैशन का एक ट्राउजर पहना था। ही येल्ड, अब वो चिल्लाया, क्या बोला उसने, सेव मी, मुझे बचाओ। किसने बोला, हु सेड, दैट टाइनीस्ट साइज मैन सेड, क्या बोला उसने, सेव मी, कि मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे वापस उस कैट जो बिल्ली है उसके पास मत भेजो, ठीक है, वापस मेरे को मत दो, और उसी का मुझे बचा लो। आई ग्रांट यू अ विश, और मैं जो है, ग्रांट का मतलब है गिव, कि मैं तुम्हें एक जो है विश देता हूँ, आई प्रोमिस यू दैट, और मैं तुमसे क्या करता हूँ, प्रोमिस करता हूँ, ठीक है, कि मैं तुम्हें, अगर तुम मुझे बचा लोगे और वापस से जो है नहीं दोगे मुझे, किसके पास, कैट के पास, तो आई विल ग्रांट अ विश टू यू, ठीक है। और उसने क्या कहा उसके साथ, उसको, कि आई प्रॉमिस यू दैट, कि मैं इसके लिए जो है तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मैं तुम्हें जो है एक विश दूंगा। अब पैट्रिक जो था वो बहुत खुश हो गया, क्यों खुश हो गया, क्योंकि उसको जो है क्या सोचा उसने, कि ही गॉट अ सॉल्यूशन। किस चीज का सॉल्यूशन, कि वो जो होमवर्क नहीं करता था, जो उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, और अब जो है उसको एक विश मिल रही है, तो उसको जो है बहुत ज्यादा खुश हो गया वो। पैट्रिक कुडेंट बिलीव, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था, बिलीव मैंने विश्वास, किसको विश्वास नहीं हो रहा था, पैट्रिक को। तो पैट्रिक कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, कि वो कितना लकी है, कि उसको क्या हुआ, कि एकदम से जो है सॉल्यूशन मिल गया, ही गॉट द सॉल्यूशन हाउ टू डू द होमवर्क, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम।
अब जब उसने देखा कि वो विष दे रहा है, कौन दे रहा था विष? टाइनियस साइज ऑफ मैन, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसको जो है अपनी प्रॉब्लम का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया है. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम. अब उसे लगा कि जितनी उसकी समस्याएं थी जो होमवर्क ना करने की हर सब्जेक्ट की, तो अब जो है उसे सॉल्यूशन मिल गया है कि अब जो है वो इस टाइनियस साइज के मैन से जो है कि उसने मेरे से कहा है कि विश मांगिए तो मैं जो है क्या करूंगा इससे होमवर्क कराऊंगा. तो उस बहुत खुश हुआ और उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था पहले. ठीक है, तो ही सेड, तो उसने क्या कहा कि किसके लिए यूज हुआ है? पैट्रिक. ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, कि मैं तुम्हें तभी कैट को वापस नहीं दूंगा कि जब, यदि, इफ मैंने यदि, इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. अब जो पैट्रिक था बहुत क्लावर था, क्योंकि उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, हमेशा खेलता था, क्रिकेट खेलता था, हॉकी, सॉरी, हॉकी खेलता था, ठीक है, और बास्केटबॉल खेलता था या फिर वीडियो गेम खेलता था. तो उसे जब उस तो उन्होंने कहा कि अभी जो है ये एक मेरे को जो है क्या मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है या एक चांस मिला है, तो मैं क्या करता हूँ. ही सेड ओनली इफ यू डू, कि यदि तुम, इफ मीन्स यदि तुम मेरा सारा होमवर्क, ऑल माई होमवर्क, सारा मेरा होमवर्क टिल, कब तक करोगे? टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि जब मेरा पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तब तक तुम क्या करोगे? मेरा होमवर्क करोगे. ठीक है, मतलब जब सेमेस्टर एंड होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा और सारा होमवर्क कौन करेगा? टाइनियस्ट साइज ऑफ मैन. तो उसको जो है बहुत मतलब एक उसने जो है उसे जो उसने प्रॉमिस किया था टाइनियस साइज ऑफ मैन ने, तो उसने जो है उससे कहा कि सेमेस्टर के एंड तक जो है, और सेमेस्टर के एंड में कितने टाइम रह गया था? ओनली 35 डेज. कितना रह गया था? 35 डेज लेफ्ट टू कंप्लीट द सेमेस्टर. तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो ये टाइनियस साइज ऑफ मैन है, इसने जो प्रॉमिस कराया, अब मैं इसको जो है, तो उसने उससे कहा कि एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक जो है तुम जो 35 डेज हैं, तो 35 डेज तक तुम मेरा जो है होमवर्क रोज करोगे. किसने कहा? पैट्रिक ने कहा. हु सेड टू हूम, किससे कहा? टाइनियस साइज ऑफ मैन से कहा. इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम जो है ये जॉब जो है अच्छी तरीके से करोगे, आई कुड इवन गेट एज, मतलब अगर तुम अच्छी तरीके से मेरा होमवर्क करोगे, डेली होमवर्क करोगे, तो मुझे कौन सा ग्रेड मिलेगा? ए ग्रेड मिलेगा. पढ़ाई में क्या मिलेगा? ए ग्रेड. क्योंकि अभी तक वो होमवर्क नहीं करता था, टीचर्स जो है उसको स्कोल्ड करते थे, डांटते थे, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करता था, खेलता रहता था, लर्न नहीं करता था, तो एवरी टाइम जो है उनके टीचर क्या करती थी? उसको स्कोल्ड करती थी. तो उसने कहा अभी मेरे को एक मौका मिला है इस ये जो है, तो उसने कहा कि अगर तुम मेरा अच्छी तरीके से होमवर्क करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? ए ग्रेड मिलेगा. और अभी तक उसको सी ग्रेड मिल रहा था. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. अब जो उस क्योंकि वो क्या था, एक एल्फ है, ठीक है, एक मैजिकल जो है, एक जिसको बोलते हैं ना कि पावर, उसके पास ऐसी पावर्स होती हैं, मैजिकल पावर्स होती हैं, परंतु उनको उन्होंने कभी होमवर्क ही नहीं करा था. तो जब वो पैट्रिक उसको बोलते हैं कि क्या तुम मेरा होमवर्क करोगे 35 डेज तक, तो उसका फेस कैसा हो गया था? रिंकल्ड, मतलब काफी जो है यहाँ पे देखो कैसा हो जाता है, जैसे कपड़े, लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. डिश क्लोथ किसको बोलते हैं? डिश क्लोथ और क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस, ठीक है. हैम्पर ए बास्केट विद द लिड, जहां पे हम कपड़े जो है निचोड़ते हैं, करते हैं, तो जब निचोड़ते हैं कपड़े सुखाने से पहले, तो कैसा होता है उसमें काफी ज्यादा क्या होती है? रिंकल्स होती हैं, ठीक है. तो वैसे ही उसके फेस में जो थे, थ्रोन माने डालना, फेंकना, जब हम उसमें बाल्टी में डालते हैं तो उसमें क्या होती है? रिंकल्स होती हैं. तो वैसे ही जो है किसके फेस में रिंकल्स थी? टाइनियस साइज ऑफ मैन के. तो जब उसने सुना कि मेरे को होमवर्क करना है 35 डेज तक, तो वो थोड़ा सा जो है घबरा सा गया, कि क्योंकि आज तक उसने कभी होमवर्क ही नहीं करा था,
मैजिकल पावर जरूर थी उसके पास, बट नेवर ही डिड द होमवर्क, कभी नहीं किया था. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट. अब उसने क्या करा, किक करा गुस्से में एंड डबल्ड हिज फिस्ट. डबल्ड हिज फिस्ट माने जैसे मुक्का करते हैं ना, फिस्ट माने मुक्का. फिस्ट किसको बोलते हैं, मुट्ठी. तो उसने अपने मुट्ठी बनाई दोनों की और डबल डिस फेस, अपनी फेस की तरफ जो है, दोनों मुट्ठी बना के अपनी फेस की तरफ जो है उसने, और पैरों को किक करा. एंड ही ग्रिमेस्ड. ग्रिमेस्ड माने मुंह टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाना. जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है या आप लोग जो है किसी को अगर पसंद नहीं करते हैं तो क्या करते हैं ना, उसको देखिए टेढ़ा मेढ़ा मुंह सा बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रिमेस्ड. तो ग्रिमेस स्काउल्ड, स्काउल्ड किसी को बोलते हैं. पर्स्ट हिज लिप्स हिज फेस had these expressions showing disgust, कि हमें जो है कोई जी जो है किसी कोई पसंद नहीं करता है, और disapproval एक तरह से क्या show कर रहा था, वो disapproval कर रहा था कि मैं तुम्हारा homework नहीं करूंगा, क्योंकि उसने अभी तक जितनी भी life थी उसकी, अभी तक अभी उसने जो है ये काम नहीं करा था. तो आप लोग जो है जो words के meaning बता रहे हैं तो इनको जो है आप daily जो है use कर सकते हैं अपने daily life के, डेली लाइफ में अपने वर्ड्स को ट्राई टू यूज देम. पर्सुड हिज पर्स्ड हिज लिप्स. ओह एम आई कर्स्ड, अभिशाप कहते हैं इसको. बट आई विल डू इट. तो उसे जो है उस समय तो उसे बहुत अप्रूवल सा मतलब शो कर रहा था कि मैं नहीं करूंगा, और अब क्योंकि अब कभी तक उसने करा ही नहीं था, उसको इतनी नॉलेज भी नहीं थी, पावर्स थी उसके पास मेडिकल पावर, तो उसे लगा कि ये जो है कहीं उसके लिए अभिशाप तो नहीं है, परंतु फिर भी उसने कहा बट आई विल डू इट, कि मैं करूंगा. किसने कहा, टाइनीस्ट मैन ने. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ. अब एल्फ किसको बोलते हैं, जो टाइनियस मैन था तो वो क्या होते हैं कि बहुत छोटे साइज के होते हैं, और उनके क्या होते हैं, ईयर होते हैं, पॉइंटेड ईयर होते हैं, ठीक है, और उनके पास क्या होती है, मैजिकल पावर होती है. एक मैजिकल क्या होते हैं, क्रिएचर कहते हैं एल्फ के, क्या होते हैं, मैजिकल क्रिएचर, और उनके पास मैजिकल पावर होती है. और जो ईयर होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड, ठीक है. तो एल्फ, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. अब जैसे उसने प्रॉमिस करा था तो पहले तो उसे लगा कि मैं कैसे करूंगा इसका इसका होमवर्क, क्योंकि मैंने पहले आई हैव नेवर डिड दिस टाइप ऑफ वर्क. तो उसने कहा पहले मैंने कभी इस टाइप का कोई वर्क नहीं करा था, तो मैं कैसे करूंगा. परंतु लास्ट में उसने कैट के मुंह में जाने से बचने के लिए उसने क्या हुआ था, एग्री हो गया था टू डू द होमवर्क, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. तो जब उसने ट्रू टू हिज वर्ड के अपने वर्ड्स को सही बताने के लिए, दैट लिटिल एल्फ और जो मैजिकल क्रिएचर था उसने क्या करा, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. उसने पैट्रिक का होमवर्क जो है करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. अब ग्लिच वर्ड का मीनिंग क्या है, एक्सेप्ट. उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगा, परंतु वहां पे क्या हुआ, देयर वॉज वन ग्लिच. ग्लिच का मतलब होता है एन इनफॉर्मल वर्ड, अ फॉल्ट इन अ मशीन. जैसे मशीन में काम करते करते फॉल्ट आ जाता है, दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हेयर हिच और प्रॉब्लम. तो अगर कोई मशीन है, किससे कंपैरिजन करा, मशीन, जैसे मशीन में काम करते हैं और एकदम से कोई उसमें फॉल्ट आ जाता है तो क्या होता है, वर्क करना बंद कर देती है. तो सेम ईयर की वो काम करने के लिए बैठे एल्फ, पैट्रिक्स का होमवर्क करने बैठे, तो उन्होंने एकदम से क्या हुआ, एक ग्लिच, एक क्या आ गया वहां पे, फॉल्ट आ गया. व्हाट वाज दैट फॉल्ट, अब देखते हैं क्या फॉल्ट था वो. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, कि जो एल्फ था, जो मैजिकल क्रिएचर था, डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, कि उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है. ठीक है, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या करते रहना, क्या करना है, कभी किया ही नहीं है उसने. ऑलवेज नो, कभी नहीं किया इस टाइप का काम. व्हाट टू डू, एंड ही नीडेड हेल्प. अब उसने कहा कि देखो मुझे इस टाइप का कोई काम नहीं आता है, और अगर तुम्हें होमवर्क कराना है तो क्या करना है,
एंड ही नीडेड हेल्प कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। किसने करा? एल्फ सेड टू पैट्रिक। किसने बोला? एल्फ ने किससे बोला? पैट्रिक से बोला कि मुझे जो है क्या है, ही नीडेड हेल्प, हेल्प मी हेल्प मी। तो वो उसने क्या बोला? एल्फ ने बोला। किसने बोला? हेल्प मी ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। और जो पैट्रिक जो है उसको हेल्प, क्योंकि कहीं कोई जो था वहां पे क्या था और कोई जो है सॉल्यूशन नहीं था, तो उसने कहा कि ठीक है मैं जो है हेल्प करने के तैयार हो गया इन वॉट एवर वे। अब किस तरीके से हेल्प करनी थी ये जो कौन बताना, किसको बताना था? एल्फ को बताना था। आई डोंट नो दिस वर्ड। अब एल्फ ने जो होमवर्क करने बैठा तो उसने एक वर्ड आया, तो उसने कहा मुझे ये वर्ड नहीं पता, क्योंकि उसने कभी करा ही नहीं था और वो एक क्या था, एक मैजिकल क्रिएचर था, उसने कभी होमवर्क नहीं करा था, कभी बुक्स नहीं पढ़ी थी। तो उसने कहा आई डोंट नो दिस वर्ड कि मुझे जो है ये वर्ड नहीं पता है। द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक मैंने बहुत जोर की चिल्लाना, शीट करना, चिल्लाना। वाइल रीडिंग, जब वो पढ़ रहा था पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था, तो वो जो है जोर से चिल्लाया कि मुझे जो है ये वर्ड जो है नहीं आता है। गेट मी अ डिक्शनरी, कि मेरे लिए जो है डिक्शनरी लाओ। नो व्हाट्स एवर बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर ईच लेटर। अब उसने क्या कहा कि मेरे को जो है ये वर्ड नहीं आता है, तुम डिक्शनरी लाओ। और नहीं नहीं तुम डिक्शनरी भी लाओ और उसमें वो वर्ड भी ढूंढो जिसका मुझे मीनिंग नहीं आता है, और प्रोनंसिएशन भी उसका करो कि कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनंसिएशन भी जो है सही होना चाहिए। साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और हर जो वर्ड को है तुम ही पढ़ोगे क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है। तो बच्चों आज हमने जो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, सिक्स स्टैंडर्ड का जो है फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है। तो आप लोग जो है घर में जाके इसको रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग करेंगे तो आपको जो है और भी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी जो हमने पढ़ा है। तो किस तरह से जो है पैट्रिक जो है होमवर्क करना नहीं चाहता था, और किस तरह से जो है एक दिन जब उसकी कैट के जो है एक डॉल के साथ खेल रही थी, एक्चुअल में और रियल में जो है वो डॉल नहीं थी, वो क्या था, एक टाइनियस्ट मैन था, एक लिटिल मैन था। जो कौन था? वो एल्फ था, जिसके कॉनिकल एयर होते हैं, होता है वो ह्यूमन बीइंग की तरह होता है बट बहुत टाइनियस्ट होता है, और उसके क्या होते हैं, मैजिकल पावर्स होती हैं। तो किस तरह से जब वो उसको सेव करता है फ्रॉम द कैट, पैट्रिक उसको बचाता है, तो वो कहता है कि अब दोबारा मुझे जो है उसके पास मत भेजना। तो वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं तुम्हें दूंगा, और क्या करूं इसके बदले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मेरी एक विश को पूरा करना है। एंड उसकी विश क्या थी कि क्योंकि वो हेटेड होमवर्क करता था, तो वो वही चाहता है कि जो एल्फ जो है मेरा सारा काम कर दे टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर के एंड तक अप्रोक्स जो है 35 डेज पढ़ते हैं, तो 35 डेज तक ये मेरा होमवर्क है। और किस तरह से वो हेल्प कर रहा है और किस तरह से हम पढ़ रहे हैं उसको, तो इसी को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।